एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल छुपाली पर। बस पर मेरा नाम है पम्मी और गाइस आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले हमने मॉन्स्टर स्कूल एनिमेशन की एक छोटी सी एनिमेशन देखी थी जब सायरन हेड ने पूरे स्कूल के ऊपर हमला कर लिया था और उनके छोटे से विदर स्केल्टन फ्रेंड को उठा के उसने खा लिया था। तो बाकी के लोगों के अंदर जो है हलबड़ी बच चुकी थी, वो सारे जंगल के अंदर रहने लग पड़े थे, लेकिन वहां पर वो पार्ट खत्म हो चुका था और अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट टू को। और एक बार फिर से गाइस आज के कंटेंट सप्लायर है रैड किड्स, तो ये है सायरन हेड वाली मूवी का पार्ट नंबर टू। और एक बार फिर से गाइस आगे बढ़ने से पहले यहां पर लाइक कर दो और मैंने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, आप भी इसी वीडियो के नीचे जाके आपने भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऑलराइट गाइस लेट्स गो, अभी आ चुका है पार्ट टू। मेरे को याद है कि लास्ट टाइम ये लोग टेंट्स के अंदर सोए हुए थे और हीरो पैन ने आखिर के अंदर आके आग बुझा दी। और माइनक्राफ्ट के अंदर उल्लू भी होते हैं, I don't think ये होती होंगे, ये ऐसे इन लोगों ने एनिमेशन के अंदर लगा कर रखे हैं। और एक्चुअली रियल माइनक्राफ्ट का उल्लू लग रहा था। और अभी गाइस जंगल के अंदर कोई ना कोई हरकत हुई है और वो हरकत देख के ज़ॉम्बी उठ चुका है। ज़ॉम्बी से कान कितने तेज होते हैं ज़ॉम्बी। अरे उसके पास फ्लिंट एंड स्टील है, नाइस वेल डन भाई। हीरो ब्रांड ने आग बुझाई, ज़ॉम्बी ने फिर से आग चला के अब वो जंगलों के अंदर जा रहा है। अब मैंने माइनक्राफ्ट के अंदर सुन के रखा था कि अगर आप आग जलाती हो तो वहां पर मॉब समन नहीं होगी, ये यहाँ पर उल्टा ही दिखा रहे हैं। अब ऑब्वियसली गाइस माइनक्राफ्ट के अंदर मॉब्स को भी मॉब्स से उतना ही डर लगता है जितना डर हमको लगता है मॉब्स से। कोई सेंस बन रहा है इस बात का जो मैंने अभी बोली? ओ यहाँ पर ज़ॉम्बीज छुपे होंगे, मत जा मेरे भाई, मेरे को बहुत डर लग रहा है यार। ए रैबिट, डरा दिया। मेरे को लगा था कि माइनक्राफ्ट के अंदर रात को एक्चुअली रैबिट्स वगैरह जितने भी जो पीसफुल मॉब है वो सो जाती होगी, लेकिन नहीं। ओ माय गॉड, कुछ ना कुछ हुआ यहाँ पर। और ये छोटे छोटे ग्रीन वाले पार्टिकल्स कितने मस्त लग रहे हैं यार, एक्चुअली लग रहा है कि लीव्स वगैरह उड़ रही होंगी। यार ऐसे इफेक्ट्स माइनक्राफ्ट के अंदर होने चाहिए, इससे माइनक्राफ्ट की जो गेम है पूरी एपिक लगेगी। और जंगल के अंदर इसको मिल चुकी है एक अनजान हट। ऑब्वियसली गाइस ये सायरन हट की तो होगी नहीं क्योंकि सायरन हट बहुत बड़ा और ये बनी है एक छोटी सी हट। कम ऑन, अंदर कौन हो सकता है? मे बी हीरो ब्रायन, क्योंकि ग्रैनी। अरे तू ग्रैनी की हेल्प मत ले भाई, अभी तेरे को घर से एस्केप करना पड़ेगा और तेरे पास सिर्फ 5 दिन होंगे। और आवाज मत करिए क्योंकि आवाज सुन लेगी ग्रैनी। अभी ग्रैनी के पास कोई ना कोई सोल्यूशन हो सकता है। ऑब्वियसली गाइस ग्रैनी के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। हाउ टू किल सायरन हेड, टॉप सीक्रेट बुक ज़ॉम्बी को मिल चुकी है। वो क्यों आंखें खोल के पढ़ रहा है भाई? लेट्स गो, अभी ज़ॉम्बी को कोई ना कोई सोल्यूशन मिल चुका है। तो ऑब्वियसली गाइस सायरन हेड को मारना इतना आसान नहीं है। आई कैन सी यू, भाग मेरे भाई। अरे भाई साहब, ओके ज़ॉम्बी अभी तेरे पास 5 दिन ना यहाँ से भागने के। अरे नहीं ग्रैनी, इतनी पागल नहीं हो सकती। फीगी नूबरे, तेरे पास शॉटगन है भाई? तूने बचा लिया अपने दोस्त को, ये तो दोनों गए थे। ओके ऑब्वियसली ग्रैनी के पास टीवी भी होता है, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि उसका टीवी चलता भी है। ऑलराइट, लाइव ब्रेकिंग न्यूज, वेपन स्टोलन फ्रॉम एरिया 51। तो ये वाला खतरनाक वाला वेपन चोरी हो चुका है एरिया 51 से, और चोरी किसने किया? ग्रैनी ने। ग्रैनी कितनी तेज हो चुकी है यार, उसने TNT लगा के दरवाजा तोड़ा। लाइव CCTV पर तेरी फुटेज आ रही है। तो TNT मार के उसने दरवाजा तोड़ा जहां पर सीक्रेट वेपन एकदम से सिक्योरली सेफ था। तो ग्रैनी ने, इस उम्र में ग्रैनी ने वेपन चोरी कर लिया। अब मेरे को पता नहीं कि ग्रैनी इस वेपन का क्या करने वाली है, लेकिन ऑब्वियसली ग्रैनी मर चुकी है। वेपन की लोकेशन ऑब्वियसली सिर्फ ग्रैनी को पता थी। तो फिगलिंग ने ग्रैनी को मार लिया, लेकिन मुझे पता है कि यह वेपन इस घर के अंदर कहीं ना कहीं छुपा होगा। चेक कर अलमारियां, चेक कर, इतनी जल्दी उम्मीद नहीं तोड़ते। अलमारियां चेक कर, ड्रॉ के अंदर तो ज़ॉम्बी, व्हाट इज दिस? इतना बड़ा वेपन है, सबके सामने थोड़ी पड़ा होगा, और ऑब्वियसली टॉप सीक्रेट वेपन है। तो ग्रैनी ने इस वेपन को छुपाने के लिए कोई ना कोई सीक्रेटिव जगह बना के रखी होगी ऑब्वियसली। चलो घर के अंदर ढूंढो, कम ऑन। अरे एक बंदा ऊपर जाकर देख रहा है, तेरे को क्या पड़ी ऊपर जाने के मेरे भाई, तू कहीं और देखना। गाइस मेरे को पता करना कि वो वेपन आखिरकार ग्रैनी ने कहां पर छुपा कर रखा है, और पूरे हाउस के अंदर से कॉबवेब्स लगी हुई हैं। दोनों साथ में जाना ठीक है, अगर किसी चीज ने हमला कर दिया। ओके मैं भी बोलने वाला था कि अगर किसी चीज ने ज़ॉम्बी के ऊपर हमला कर दिया तो अपना फेगी शॉटगन से उसका दिमाग खोल देगा। ओके फेगी शॉटगन से ताला खोल दे, पहले मार दे उसको। हट जा, हट जा, हट जा ज़ॉम्बी, उड़ा दे इसके।
लेट्स गो। तो ये तिजोरी खोलने का एक और तरीका है। क्या अंदर वेपन होगा? अरे ये तो मेरे को लिटरली GTA 5 की रेल गन लग रही है। और मिलिट्री वाले पहुंच चुकी हैं ग्रैनी के घर के अंदर। भाग! ओ, तू गया। पूरी मीम्स लगा कर रखी लोगों ने यहाँ पर। ओ, भागो 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 भागो। अरे भाई साहब ज़ॉम्बी क्या? हाय हेलो, तेरे को एक्शन मारना आना चाहिए भाई, हरे किसी की बस की बात नहीं होती। अरे नहीं मत मारो, अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों ने वेपन चोरी किया था भाई, उनको कोई शौक नहीं है वेपन चोरी करने का। तो ये देखो FBI की गाड़ी ज़ॉम्बी लेके भाग रहा है, लॉजिक एकदम से पूरा पूरा फिट बैठ रहा है यहाँ पर। हैंग ऑन अ सेकंड, ग्रैनी जिंदा है क्या? वाओ, पूरा मेल्ट कर दिया ग्रैनी ने। ग्रैनी पूरी गुस्से में आ चुकी है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी फ़ारेनहाइट से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है अपनी ग्रैनी। और ये लोग भाग भाग के आ चुके हैं। ओके नहीं आए। एंट्री बनुट गया तू, तेरे चाचा जी बाहर खड़े हैं मेरे भाई, फिर से आ गया यार ये। अब की बार ये पूरा बदला लेगा तुम लोगों से, ये साइरन हेड। ओ माय गॉड, उसका मुंह कितना बड़ा है, सारे उठ चुके हैं भाई, उसने इतने खतरनाक लेवल की चीख मारी सारे उठ गए। और क्रीपर को देखो जंप पे मार मार के भाग रहा है, और अभी भागना एकदम से इम्पॉसिबल है भाई। साइरन हेड ने इन लोगों की बस ही उठा ली, जिस चीज की मदद से ये लोग भाग सकते थे साइरन हेड ने वही चीज इनसे ले ली। भाई साहब पूरी बस ही फट गई यार इन लोगों की, और बस भी पूरी ब्लॉक से बनी हुई थी, क्योंकि जैसे ही बस फटी सारे ब्लॉक नीचे गिर गए और उनके टेंट्स भी अभी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। फुल ऑन गुस्सा भाई, बैक अप। अरे पिगी लेट्स गो, KGF, आई फुल ऑन KGF चल रहा है यहाँ पर। कम ऑन, ओ तेरी गोलियां खत्म, अबे तुम्हारी मदद, बड़ी मुक्का, ओ बच गया। ओ माय गॉड, वहां पर अभी एक मॉब थी अंदर, पिकी था, ओ बच गया, मेरे को लगा था ये भी गया। अभी गाइस तुम लोगों की मदद सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, और वो है अपनी ग्रैनी। गए भाई तुम लोग गए, क्या ग्रैनी आके इसकी मदद करेगी? कम ऑन ग्रैनी, मुझे तेरे पर पूरा भरोसा है। सायरन हट को सायरन दे रही है, आई कैन सी। फट से हट जोड़ लेगी ग्रैनी, लेट्स गो भाई, सीधा मुंह के अंदर गोली। एंड इसी के साथ ही गाइस ग्रैनी ने सायरन हट का पट से हट शॉट ले लिया और सायरन हट के सारे फटे चक दिए। नाइस डन ग्रैनी, तू जिंदा है अभी तक? व्हाट? ऑब्वियसली गाइस ये स्केल्डन का बड़ा भाई विदर स्केल्डन है। अरे नहीं ये मर नहीं सकता यार, ग्रैनी भाग रही है, अभी किसको मारने की कोशिश कर रही है भाई? नहीं नहीं सारे गए। क्या ट्विस्ट हुआ एंड पे भाई, अगर वो सायरन हेड नहीं करता ना, स्कैली तू तो गया था आज। हाँ वो मर गया, उसको छोड़ दे, उसको वो गया वो, लेकिन आई थिंक हीरो बैन कोई ना कोई हेल्प कर सकते हैं उसकी। और पेपर अभी भी उसके पास है, ये कौन सा पोशन दे रहा है? उठेगा उठेगा या पूरा ही दफन हो गया ये? ये अपना खिलाड़ी एकदम से बैक टू नॉर्मल। ओके यस 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 यस, वापस आ चुका है ये, इसको अभी तक पेपर की हाँ? हाई तेरे को अभी तक पेपर की पड़ी हुई है, पास चल मेरी तरफ से पास, पूरा फुल ऑन। फेल फेल कर दिया इसको, चल अभी फेल कर दिया। ए स्टार, इसको पता भी नहीं है इसके साथ क्या हुआ। एकदम दिलचस्प स्टोरी थी भाई, मेरे को स्टोरी देखे गाइस बहुत मजा आया। अगर आपने स्टोरी का पहला पार्ट नहीं देखा तो अपने चैनल के ऊपर जाइए और लास्ट वाली वीडियो देखिए। चलिए गाइस मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।